वीवो का IQ Z9X 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों, और हमारे सामने इसका फर्स्ट लुक, प्राइस, डिटेल सब कुछ निकल के आ चुका है। उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो पूरा ही स्मार्टफोन आपको बॉक्सी डिजाइन में दिखाई देता है। कैमरा कंपार्टमेंट की तरफ से आपको डिफरेंट डिजाइन भी देखने को मिलता है। सिंगल LED फ्लैशलाइट और IQ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वहीं बैक पैनल आपको यहाँ पे ग्लॉसी टच का देखने को मिल जाता है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो टोटली फ्लैट होगा और साथ में यहाँ पर आपको पंच होल कटआउट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज एंड स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 6.72 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर ये जो डिवाइस है वो कम से कम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। और रिजोल्यूशन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 1080x2408 का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट, यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपके HD कॉन्टेंट्स को आप काफ़ी अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे, या फिर आपके Netflix, Amazon या YouTube हो, सारे ही कॉन्टेंट्स को आप अच्छे से देख पाएंगे। साथ में अगर आप गेमर भी हैं तो भी आपका एक्सपीरियंस इस डिस्प्ले के साथ में काफी बढ़िया रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के सबसे बड़े हाइलाइटिंग पार्ट की, जो कि होने वाला इसका प्रोसेसर दोस्तों। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 6th Gen 1 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। इन शॉर्ट, ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको दोनों ही सिम कार्ड के अंदर इजीली 5G एक्सेस भी कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं रैम एंड स्टोरेज की दोस्तों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको 4GB से लेकर 12GB तक की रैम देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर जो पहला वेरिएंट होगा इंटरनल स्टोरेज के साथ में वो 128GB का देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टोरेज टाइप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप और LPDDR4X रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरा कंपार्टमेंट्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मेन सेंसर पीछे वाला 50 MP मिलेगा, जहाँ पर आपको 2 MP का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, और वहीं पर आपको सिंगल LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। बात कर ली जाए फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको Vivo की तरफ से जो कि अपडेटेड वर्जन होगा UI का, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी की बात किया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 4G 5G Wi-Fi का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलेगा। NFC का सपोर्ट सैडली आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। रेडियो भी शायद यहाँ पर आपको ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको USB Type-C 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बताया जा रहा है कि OTG सपोर्टेबल भी हो सकता है। एक्सटर्नल चीज़ों की बात किया है दोस्तों, तो राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे, फोन को लॉक अनलॉक करने का एक बटन, बॉटम साइड में नीचे की तरह आपको और 3.5mm ऑडियो जैक, साथ में यहाँ पर दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन के अंदर ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में वहीं पर आपको यहाँ पर ड्यूल सिम की ट्रे भी देखने को मिल जाएगी। सेंसर्स एंड सिक्योरिटी की बात की है दोस्तों, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन, साथ में पैटर्न लॉक का फीचर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वीवो की तरफ से IQ के अंदर 6000mAh की फुल बैटरी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही में यहाँ पर जो डिवाइस है वो कम से कम 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको स्मार्टफोन के अंदर 3 नए अट्रैक्टिव कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी कहानी थी IQ Z9X 5G स्मार्टफोन के बारे में। बात कर लेते हैं इसकी इंडिया लॉन्चिंग डेट एंड प्राइस की दोस्तों, तो दोस्तों 16 मई यानी कि 16 मई को इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की दोस्तों, तो बताया जा रहा है इसकी प्राइस आपको 13,999 करीब देखने को मिल जाएगी, जहां पर इसके ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर या बैंक ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट सेल के अंदर आपको यहां पर 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। सो गाइज, ये सारी ओवरऑल चीजें थी IQ Z9X 5G स्मार्टफोन के बारे में। आपको ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके हिसाब से इसकी इंडिया प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।